नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। कवि विश्व को ज्ञान देने वाला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय अब एक बार फिर से अपने ज्ञान की गंगा बहाने को तैयार है। बता दें कि आज से 800 साल पहले इस ज्ञान के मंदिर को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। विश्वविद्यालय की पुस्तकालय महीनों तक जलते रहे थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय एक बार फिर से अस्तित्व में वापस लौटने लगा है। विश्वविद्यालय को एक बार फिर से सजाया जा रहा है ताकि यहाँ आने के बाद लोग अपने ज्ञान को और भी पुरस्कृत कर सकें। हम एक बार फिर से इस विश्वविद्यालय से नागार्जुन, वसुबंधु, असंग जैसे छात्र निकल सके, इसकी परिकल्पना अब एक बार फिर से की जाने लगी है। विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए CM नीतीश कुमार और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अहम योगदान रहा है। दोनों के सफल प्रयास से आज नालंदा विश्वविद्यालय अपने ज्ञान का वर्षा करेगा। प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर के करीब 10 किलोमीटर दूर राजगीर में बनाए जा रहे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 446 एकड़ परिसर प्रस्तावित किया गया है। मालूम हो को नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी खूबसूरत व भव्य रूप से निर्माण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के मेन गेट के भीतर प्रवेश करते ही कैंपस के बेहतरीन वातावरण और नज़ारे देखते ही आपके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसकी विशेषताओं के वर्णन नहीं किया जा सकता। इस विश्वविद्यालय के शुरू होते ही बिहार एक बार पुनः शिक्षा के दृष्टिकोण से देश विदेश में जाना जाएगा। बता दें कि साल 2007 के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के निर्माण समर्थ रूप से शुरू हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के सशक्त केंद्र के रूप में आगे बढ़ेगा। इस विश्वविद्यालय में अकल्पनीय कार्यक्रम, छात्रों की छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य केंद्र, अपने शानदार बुनावटी ढांचा, विकास नीतिगत पहल, 200 से ज़्यादा संचार संरचनाओं वाला एक पूर्ण स्थानीय कैंपस के साथ नालंदा विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से बड़े लेवल पर दावेदारी पेश करने की संभावना आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय वस्तुकला का अकल्पनीय नमूना है। यहाँ मठों की कतार थी। इसके अलावा कई भव्य स्तूप और बुद्ध भगवान से सुसज्जित मंदिर थे। यहाँ के विशेष शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात हो चुका था। तब महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग और धर्मकृति के कार्यों पर मंथन हुआ करता था। वेद, वेदांत और शाख्य की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। व्याकरण, दर्शन, शैल्य चिकित्सा, ज्योतिष, योग और चिकित्सा भी इनके जो है पाठ्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे। एक समय इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिसके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश चीन, कोरिया और जापान से आते वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। चीनी भिक्षु हेनसांग ने 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया था। हेनसांग ने अपनी किताबों में भी नालंदा विश्वविद्यालय का भव्यता का जिक्र किया है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में हम एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को पहले द्वारपाल से वाद विवाद करना पड़ता था और फिर उसमें उत्तीर्ण होने पर ही उन्हें प्रवेश मिलता था। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका द्वारपाल एक अदने से छात्र को पढ़ाई के मापदंड में मापता हो, तो उसके शिक्षक और उसके गुरु किस कैटेगरी के होंगे। यहाँ छात्रों को छात्रावास की सुविधा दी जाती थी। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए राजाओं द्वारा विशेष अनुदान दिया जाता था, लेकिन विश्वविद्यालय के संचालन में उनका किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बौद्ध धर्म न अपनाने वाले शासक भी इस विश्वविद्यालय को भरपूर अनुदान देते थे। विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर्षवर्धन ने 200 ग्रामों का अनुदान दिया था, जिससे प्राप्त राजस्व जो है विश्वविद्यालय को चलाने में, संचालन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। बता दें कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय में इतिहास और पर्यावरण विज्ञान, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज, बौद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी एंड कंपरेटिव लिटरेचर, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई यहाँ पे अभी शुरुआत में चल रही है। तो एक तरह से कहें कि नालंदा अभी एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा के केंद्र में है और ज्ञान की एक नई धारा प्रवाहित करने को लेकर आतुर है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।